बोलो जोर से, रोजदारों के लिए। हम बना रहे हैं वफ़ा, जो हम टिक्की, हम रेडी जाने के लिए सारी प्रिपरेशन हो गई। प्लास्टिक सर्जरी करा ली अपने, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुमको जरूरत है प्लास्टिक सर्जरी की। क्यों है मुझे जरूरत प्लास्टिक सर्जरी की? ऐसे ज्यादा अच्छी लगी है। थैंक यू। तो गाइस सबसे पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से, कल तो मैंने सब कदर की मुबारकबाद दी थी, आज आपको होली की मुबारकबाद, हैप्पी होली हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। हैप्पी होली, आपकी अच्छी से होली बने। अच्छा लगता है मुझे, मेरे लिए तो ना आप ना वो ले आओ बलून पानी डाल के मैं बोलूँगी, और पिचकारी भी लेकर आना। पिचकारी ये कह रहे हैं, मैंने तो कहा था मजाक में और ये सीरियस में व्लॉग करने लग गई। तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, आपका स्वागत है ऐशी की दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हाँ, ये तो मैंने कर ही लिया व्लॉग, मैंने स्टार्ट कर दिया पहले, कोई नहीं आपने देख भी लिया था। तो अभी गाइस आज का सीन ऐसा है, हम जो है ना सोच रहे हैं कि आज ना रोज़ा है, जैसे हम शबकदर के बाद रखते हैं, वैसे तो कुछ सुन्नत नहीं है, नफली रोज़े हैं, तो हमने की सोचा है कि आज हम रोज़ा ना जामा मस्जिद में खोलेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी फैमिली, हस्बैंड भी यहीं आए हुए हैं क्योंकि उनकी भी छुट्टी थी और होली भी है, तो सब हर सबके ही त्यौहार चल रहे हैं, तो सोचा था चलो आज घर में रह के इन्जॉय करेंगे, तो घर का रोज़ा नहीं खोलेंगे इस बार, हम खुलने वाले जामा मस्जिद में, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम तैयारी बना के लेके चलेंगे, वहाँ पे शरबत बना के लेके चलेंगे और वहीं से ना पकौड़ियाँ खरीद लेंगे, तो बनाते हैं जल्दी से। तो गाइस इधर हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, जो हम इतनी क्यूट सी हंडिया में बना रहे हैं, ये रूह अफ़ज़ा जी रमज़ानों में माशाल्लाह खूब यूज़ होता है, तो आज भी रोज़ा है, तो सोचा इसका ही शरबत बना के हम जामा मस्जिद लेके जाएंगे, कि बड़ा मज़ा आएगा। फिर मैंने बनाते हैं, इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें चीनी को मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ ऐसे करके, सादे पानी में, इसमें मिलाएंगे हम रूह अफ़ज़ा। सो गाइस इधर मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको चीनी लेनी है और जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो, उस हिसाब से चीनी ले लो ताकि आप टेस्ट कर सको कि कैसे करना, और खूब घोल लो उसके अंदर, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल लो और इसे नींबू डाल लो, इतना मज़े का आता है। इस नींबू का टेस्ट मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ ना मैं ज़रूर डालती हूँ, और अब मैंने इसे ठंडा करने रख दिया है फ्रिज में। तो गाइस शरबत हमने बना के रख दिया है, और हमारी अरूबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नासाज है, उसके भी गले आ रहे हैं, असल में क्या ठंडा ठंडा पानी वगैरह पी रहे हैं, मौसम सही है नहीं इसलिए, तो ये यहाँ पे ऐसे ही सो रही पड़ी पड़ी है, मेरे से खूब काम करा रही है, कोई बात नहीं, बच्ची है, छोटी बच्ची है। और रात को हयात की भी बहुत तबीयत खराब हुई थी, हमको रात को 2 बजे उसको लेके भागना पड़ा, उल्टियाँ पे उल्टियाँ लग गई थी उसको, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तब जाके थोड़ी सी बेटर हुई है हयात भी। तो अब लोग भी ध्यान रखें अपनी तबीयत का, बच्चों का, ठीक है ना। अब चलें थोड़ी सी तैयारी, तो मैंने बना ली है, फ्रिज में रख दी है, फिर और दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं। यहाँ पर सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो गाइस हो गए हैं हम रेडी जाने के लिए, सारी प्रिपरेशन हो गई है, टाइम हो रहा है 6:45 हो रहे हैं, और रोज़ा कब तक खुलेगा? 6:30 तक रोज़ा खुलेगा, तो चलिए चलते हैं जल्दी से, किताबा वगैरह सब रेडी हैं, हयात भी रेडी हैं, दोनों को स्लीपर बनने लगे, चलिए चलते हैं। गाइस हमने टोकरी बना ली है, इसमें हमने रूह अफ़ज़ा रख लिया, रूह अफ़ज़ा ज़्यादा बन गया था तो 2 बोतलों में कर लिया, इधर पानी रख लिया, दस्तक कौन रख लिया, और ये बेडशीट रख ली जी, उसके नहीं है बैठने के लिए, हम सब बैठ के जो कर लेंगे, और वो कहाँ इफ्तियारी, इफ्तियारी सब रख लिया और इफ्तियारी नहीं रखी, इफ्तियारी कहाँ, हफ्तियारी शायद फ्रिज में, हफ्तियारी हफ्तियारी वो रही हफ्तियारी। सो गई जामा मस्जिद जाने के लिए हमने सोचा रास्ते से ही हमने पकौड़ियाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमने घर में बनाई नहीं थी, पापा ने बोला था भाई रेस्ट करो रोज़ा है बाहर से सब आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहीं से पकौड़ियाँ ले ली थी, और ये स्टार्ट हो गया है यहाँ का
सफ़र, मतलब लाइक कि यहीं से ही जाया जाता है, ये रास्ता है चितली कबर से होते हुए हम जामा मस्जिद जा रहे हैं। और रास्ते में इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ थी, आप देख ही सकते हो कितना लोग है। मतलब जबकि आज इतना बड़ा वो था, सब फंक्शन कह रही हूँ, रोज़ा था सबका, और सब मुझे लगा सब बाहर ही थे, इतनी भीड़ थी। लेकिन ये मज़ा आया रौनक देखने में। देखो रौनक देखने तो आया, देखें इस तरफ कबाब सीख रहे हैं, और इधर यहाँ पे बर्तनों की दुकान भी खुली हुई है, कपड़ों की दुकान भी खुली हुई है। स्पेशली वैसे जो जामा मस्जिद ना खाने के लिए, देखो ये मोहब्बत का शरबत है, बहुत ही मज़े का। और ये क्या चीज़ थी, ये शायद शाही टुकड़े हैं, हाँ शाही टुकड़े थे, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब आप यहाँ पर आए ना, शाही टुकड़े ज़रूर खाएँ। और ये हमारी आ गई है जामा मस्जिद बात करते करते, और आप ये देखें यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक से एक खाने के रेस्टोरेंट है, जो कि दिखने में भी अच्छे हैं और उनका खाना भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ना जामा मस्जिद आके विज़िट करें, बहुत 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 ही अच्छा। और ये देखो कितनी भीड़ लग रही थी, जो भीड़ थी ना ये पकौड़ियों पे लग रही थी, क्योंकि टाइम हो रहा था पकौड़े का, हमने पहले ले ली, अच्छा करा पहले ले ली थी और ना हम फंस जाते। और ये बहुत ही अच्छा मुझे रेस्टोरेंट लगा, असलम चिकन बिल्कुल ही मतलब यूनिक था। यहाँ मैं आऊँगी इंशाल्लाह तब आपको व्लॉग दिखाऊँगी। और अब जल्दी से चलते हैं मस्जिद के अंदर। सो गाइज एंट्री हमने ले ली है यहाँ पर जामा मस्जिद में जाने के लिए। हमें कोई एंट्री टिकट नहीं लगता है गाइज, आप ऐसे ही जा सकते हैं। ये वैसे नमाज के लिए है जगह, लेकिन बहुत पॉपुलर है, तो फैमिलीज आके यहाँ पे थोड़ा सा यू नो, बहुत सी ऐसी फैमिलीज है दिल्ली की जो यहाँ पे एज अ मतलब घूमने आती हैं, कि घूमने का पर्पज़ है। वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अगर आती हैं, निकलती हैं, तो जामा मस्जिद और इंडिया गेट आती हैं। ऐसी बहुत सी फैमिली, हम लोग तो बहुत जगह घूमते हैं लेकिन किसी की नहीं है। ये दो जगह हैं पिकनिक स्पॉट की तरीके से, और यहाँ हम ले रहे हैं एंट्री। अच्छा यहाँ पे ना अंदर अलाउ नहीं है चप्पल, तो आप लोगों को पता ही है कि मस्जिद में अलाउ होती भी नहीं है, तो सबने हमने हाथों में ले लिए। हमने एक पॉली बैग लेकर आए थे, आप भी एक पॉली बैग लेकर आएँ ताकि आप उसमें अपनी स्लीपर वगैरह डाल सकें, क्योंकि फिर बाहर जमा करानी पड़ती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, चप्पल ऊपर कोई उठा ना ले। तो इसलिए, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और इतना प्यार लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम ही जा रहे हैं, कोई नहीं रोज़ा खोलेगा। और देखा हम आके पता चला जी पूरी दुनिया यहाँ पर आई हुई है, तो माशाल्लाह से इतनी रौनक हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ईद हो, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। और ऊपर से मौसम भी इतना अमेजिंग था, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, मौसम ने तो समा बांध दिया था। सो गाइस आ चुके हैं, और माशाल्लाह इतनी रौनक हो रही है, इतनी रौनक हो रही है, आप देख सकते हो सभी आए हुए रोज़ा खोलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, पहुँच चुके हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। रोज़ा खुलने में भी टाइम है, इसलिए हम बैठे हुए हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। हस्बैंड और पापा फाइज जो है ना, वो नमाज पढ़ने गए हैं। मौसम भी अच्छा है, अल्लाह ताला ने जो है मौसम जो है रोजदारों के लिए खुशगवार कर दिया। जोर से बोलो, जोर से। रोजदारों के लिए रोजा लग रहा है, खुशगवार कर दिया, रोजा नहीं लग रहा बल्कि माशाल्लाह और मजा आ रहा है। गाइस देखो कितनी रौनक हो रही है माशाल्लाह से। ये रोजे के बाद कितने मिनट रह गए है, खुल जाएगा अपना 6:65 पे। 6:65 60 मिनट होते हैं गाइस, अब वो है ना सारी तैयारी हुई है ना, थोड़ा सा इंतजार नहीं हो रहा। मम्मी कब ना खुलेगा? 6:25 टाइम है। चलो दुआ मांग लेते हैं, दुआ करा। 21 तो हो गए, चल जा खुल दुआ। समोसा
तो गाइस रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह से खोल लिया है और सबने रोज़ा बड़े से खोला है, नमाज भी पढ़ ली है और बस अब लोग यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन देखो जामा मस्जिद इतना लाइट है और इसकी वजह से इतना खूबसूरत लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। और इतनी इतनी रौनक हो रही है माशाल्लाह से, बहुत देखें आप कितनी प्यारी लग रही है जामा मस्जिद। और ये सब खा रहे हैं मस्त करके, पापा आ गए, भाई आ गए, मैंने खा लिया। कितने टाइम बाद आ रहे? बहुत टाइम बाद है, मजा आ गया। लेकिन आ जाना, शुक्र है अल्लाह ने। हाँ इधर गिर रहे बाबू। सो गाइज़ अब हम जा रहे हैं वापसी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐलान लग जाता है कि लेडीज़ें चली जाएं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए जेंट्स वगैरह आते हैं ना इशा की, तो फौरन जमा मगरिब में आधा एक घंटे के बाद इशा हो जाती है, इसलिए लेडीज़ों को लिए ऐलान कर दिया जाता है कि अब आप अपने घर की तरफ रुखसत हो जाएँ, तो इसलिए ऐलान हो गया था। तो इसलिए हमने सोचा चले चलते हैं, खाली जेंट्स थोड़ी रहेंगे, फिर जेंट्स हमको घर पर भी तो छोड़ कर आएंगे ना, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे। और यहाँ बाहर आके देखो तो इतनी रौनक है, आप ये देखें सामने की साइड कितने आदमी है, मतलब लाइक कितने लोग हैं, पॉपुलेशन तो देख लो खाली जामा मस्जिद पे आने वालों की, मैं तो हिल गई देख के। अच्छा ये यहाँ से ना ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कि आप कोई ना लाइटें जल रही हैं, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जो मैंने देखा। सो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, मैंने सोचा है यहीं पर एंड कर दूँ क्योंकि अब क्या ही दिखाना था, कितना गए थे। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और खूब सारा प्यार देना गाइज़, 100 लाइक होने चाहिए इस व्लॉग।